नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के ग्राम पिपलिया बाग में पैसों की बात को लेकर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त जानकारी बताते हुए पीड़ित परिवार का निवासी पप्पूलाल मेघवाल निवासी पिपलिया बाग जो गरीब परिवार का है, जो कि पहले आंबा तहसील जावद में रहते थे। आए दिन पप्पूलाल का एक भाई था जिसकी मौत बीमारी के कारण हो गई थी। वहीं पप्पूलाल के भाई की जमीन आंबा गांव में है, जिस जमीन में मिट्टी का काम कराने के लिए भगत सिंह राजपूत की जेसीबी से काम करवाया गया था। काम पूर्ण होने के कुछ दिन बाद ही पप्पूलाल के भाई की मौत हो गई। वहीं अब रही बात जेसीबी के पैसों की, तो पप्पूलाल ने हां भरी थी कि वह पैसे कुछ ही दिनों में दे देगा, लेकिन भगत सिंह ने कॉल पर अपमानजनक अभद्र समाजजनक गाली गलौज करी। फिर भी पप्पूलाल ने बात को नहीं सुनी, क्योंकि पप्पूलाल को अपने भाई का कर्ज देना था, जो जमीन भगत सिंह के पास पड़ी है। कुछ दिन बाद पप्पूलाल को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पीड़ित पप्पूलाल ने अजाक्स थाना नीमच में एक FIR दर्ज करवाई। उसके बाद भी थाने वालों ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद थाना बगान नीमच में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, परंतु सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित परिवार ने मीडिया को बात बताई कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भगत सिंह राजपूत को पैसे देने उनके पास पप्पूलाल के भाई की जमीन पड़ी हुई है और कानून के हाथ क्यों बंधे हुए हैं। वहीं भगत सिंह का कहना है कि कुछ भी कर लो, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पुलिस थाने वाले जहां तक कि कलेक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सब मेरी जेब में रहते हैं। फिलहाल जो कालिया अभद्र व्यवहार भगत सिंह राजपूत ने किया, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग पप्पूलाल के मोबाइल में पड़ी हुई है। वहीं पर अब सवाल ये उठ रहा है कि कानून मदद करने की बजाय उन लोगों का साथ क्यों दे रहा है, और कानून जल्द से जल्द पीड़ित परिवार की मदद करे। भाई साहब, नाम क्या है आपका? अशोक मेघवाल। यही बात कुटिया से। आपको कुछ पता है इसके बारे में? हाँ सर, मुझे क्या है, इन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई थी कि आप पैसे लेन देन से। मैंने इनकी रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समाज एक अच्छी सी वो जगह है, इसे कोई भी किसी को गलत नहीं बोल सकता है। किसी भी समाज को बोली, मैं अदर कास्ट किसी भी बोल सकता हूँ, किसी को अपने को गलत पैसे की जगह है और समाज जगह है। किसी की कोई अगर किसी भी रिकॉर्डिंग सुनाते हो, अगर ऐसा होगा तो वो खुद आगे कार्रवाई करेगा। मतलब बहुत गलत बात है, किसी को अपन नहीं बोल सकते ऐसा। बहुत ही समाज के लिए बहुत खराब चीज़ है ये, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको पैसे की लेन देन जगह है, और आज ने कल पैसे दे देते, बाकी बहुत गलत बोला इन्होंने। क्या तो अच्छी बात, जान से मारने की थी। हाँ, जो हमने रिकॉर्डिंग देखी उसके आधार पर बोल रहा हूँ, इन्होंने ये बोला है। हाँ, सबूत है ना इनके खिलाफ, सबूत है। कहना मतलब है कि नहीं बोल सकते किसी को अपन पैसे नहीं। ये पप्पूलाल जी तो हमारे घर के सामने ही रहते हैं। देखा क्या सामने वाले पार्टी? नहीं, उनको मैंने देखा, रिकॉर्डिंग सुनी मैंने, तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो यहाँ तो नहीं आए, कभी नहीं देखे हमने, यहाँ पे तो नहीं आए। ठीक है सर। हम पहुँच चुके हैं नीमच जिले के, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गाँव बाग पिपलिया में। आइए हाल चाल जानते हैं गाँव बाग पिपलिया के वरिष्ठ जन से। हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? पप्पूलाल। निवासी कहाँ की हो? अभी बाग पिपलिया को वर्तमान। पूर्व में कहाँ रहते थे? पूर्व में अम्बा। ये कहाँ पे आ गए? ये डिक्केन चौकी लगती है हमारे, और पंचायत दड़ोली लगती है, गांव अम्बा। क्या मैटर है आपका, क्या माजरा है, पूरी संक्षिप्त में खबर बताइए हमें। मैटर तो ये है कि मैं तो 30 साल से यहीं रहता हूँ, मेरा छोटा भाई और लाड़ी और मेरी माँ वहीं रहती है। तो इतने साल से सब करते आ रहे हैं, मैं गई नहीं, मैं जाता आता भी रहता था और घूम फिर के देख के भी आता था, मिल के भी आता था और इनसे सबसे मिल के भी आता था, और कोई बात ही नहीं थी। और मेरा भाई पिछले साल राखी के दिन जब उसका डेट हो गया एक्सीडेंट से, तो इन्होंने अब जाके ठाकुर साहब ने ये सब मिलके ना मतलब खेत पे कब्जा कर रहे हैं, तो काय के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो कि हम पैसे मांगते हैं? तो भाई आपका पैसा देंगे, हाथ जोड़ के बोला मैंने कि ठाकुर साहब आपका पैसा दांगा। आप ऐसे तो नहीं है कि भाई पैसा नहीं दांगा, आपका पैसा दी रहा ना। अबार तक यही कह तो आयो, वरना माँ बहन की दी मारी मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, तुम्हें यहाँ आने देंगे, खेत के अंदर गाड़ देंगे, तो भी हमने सुनी साहब। ठाकुर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? ठाकुर साहब ये हरिपुरा। अच्छा, क्या नाम है उनका? भारत सिंह शायद, पिता का नाम भंवर सिंह। अच्छा, ठाकुर साहब राजपूत लगाते हैं ना? हाँ, राजपूत लगाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे कोई जान से मारने की धमकी वगैरह? हाँ दी। अच्छा दी, जब भी तो कह रहा हूँ मैं कि यहाँ आया तो मार दूंगा,
मैंने कहा साहब मेरे में क्या मांगते हो आप, मेरी पाती तो मेरे को बोने दो। तो वो अभी बारिश में भी नहीं बोने दी और अभी भी नहीं बोने दे रहा और मारने की धमकियाँ दे रहा। अच्छा, इसके अलावा कुछ बात हुई उनसे? गालियाँ दी आपको? हाँ, कुछ सबूत है आपके पास? सबूत तो है साहब, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अच्छा, मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रखी है। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बावजूद और उसमें कुछ लेन देन आपका है या किसी अन्य का है? कोई नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं है। और मेरे भाई का भी क्या पता है नहीं है, वो जबरदस्ती कह रहा है क्या पता। वो कह रहा है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, वो कह रहा है 1,27,500 मांगता हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ के कह दी आका 30 तक दूंगा मैं, आका 30 तक दूंगा, या भगवान ने चाहा तो पहले दे देंगे, पर बापू साहब मेरे को बाने खेत बोने दो। तो बारिश में भी नहीं बोने दिया और अभी भी नहीं बोने दिया और मारने की धमकी देता है, मार कूटने की धमकी। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज़ में।